अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अंडे का सालन। अंडे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा मसाले एक मसाले को प्रिपेयर कर लेते हैं। मसाले के लिए रफली चॉप किया हुआ ऑनियंस, छोटा सा सिनेमन की पीस, रोस्टेड चना, ड्राई कोकोनट, कोरिएंडर, बस इतने ही चीज़ें हैं। चीज़ों को एकदम बारीक से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बारीक से ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हो अंडे के सालन के लिए मसाला प्रिपेयर कर ली हूँ, एकदम बारीक सा ग्राइंड कर ली हूँ, इसको एकदम फाइन पेस्ट करी हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अंडे के सालन की प्रिपरेशन देखते हैं। मसाले को तो अच्छे से बारीक से ग्राइंड कर ली हूँ। अभी एक बाउल रख के ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल गर्म होते ही इसमें ऐड करेंगे जो रफली चॉप किया हुआ ऑनियंस, ऑनियंस को थोड़ा सौते करना है ऑयल में। ऑनियंस को अच्छे से सौते कर ली हूँ। अब इसमें ऐड करती हूँ बारीक से ग्राइंड किया हुआ इस पेस्ट को। स्टोव की फ्लेम को मीडियम में रख के इसको अच्छे से पकाना है। इस जार में थोड़ा सा वाटर डाल के हिला के डाल लेते हैं। रेड चिल्ली पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिल्ली पाउडर को ऐड करना। हल्दी पाउडर, साल्ट पाउडर, 1 स्पून डाली हूँ ज़ीरा पाउडर को। इन सब को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बताऊंगी कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी ऐड नहीं करते, ना ही टमाटोज को ऐड नहीं करते। अब देखते रहना, सिंपल और इजी से बिना टमाटो के, बिना जिंजर गार्लिक पेस्ट के इतना मज़े का अंडे का सालन बना के बताऊंगी मैं आज आपको। इस सारे पाउडर मसालों को ऐड कर ली हूँ, ज़ीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, साल्ट को। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेते हैं क्योंकि मसाले जल जाते हैं ऑयल को ऊपर आने तक। इसको अच्छे से पका लेते हैं, थोड़े हिलाते रहना चाहिए इसको। रोस्टेड चना डालने से ये मसाले का पेस्ट सारा नीचे चिपक जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हिलाते रहना चाहिए मीडियम फ्लेम में रख के। आप देख सकते हो थोड़ा सा भी चिपकेगा नहीं है, इस तरह से हिलाते रहना चाहिए। ऑयल ऊपर आने तक इसको पका लेते हैं। ऑयल ऊपर अच्छे से आ गया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के पका लेते हैं। आप देख सकते हो तेल अच्छे से ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से पक गया है। अभी इसमें ऐड करती हूँ जो पहले से ही सोक करके रख ली हूँ इमली को। अभी मैं डालती हूँ इमली का पल्प, पहले से ही सोक करके रखा हुआ इमली का पल्प को। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ज़्यादा खट्टा खाते हो तो हमें टमाटो के बदले में इमली के खट्टे को यूज़ करती हूँ मैं। इस अंडे के सालन में इमली का खट्टे का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। अब एक बार ट्राई करना ज़रूर इस रेसिपी को, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। मैं इमली के पल्प को डाल ली हूँ, इसको भी अच्छे से पकाना है। देख सकते हो सालन अच्छे से कुक होता है, अच्छे से पकता है ये। अभी इसी में हमें अंडों को ऐड कर लेते हैं। स्टोव की फ्लेम को एकदम सिम में रख ली हूँ। अभी इसी में ऐड करती हूँ अंडे, स्लोली से डालना है। मैं इस तरह से एक एक अंडों को एक कप में डाल के इस तरह से स्लोली से इसमें, आप चाहे तो डायरेक्टली ही इस तरह से डाल सकते हो, इस तरह से डाल सकते हो डायरेक्ट ही। मुझे सालन में मिक्स नहीं करना, मिक्स होने पर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फिर भी मैं एक छोटे से कप में डाल के सालन में डाल लेती हूँ। मैं 5 अंडों को डालती हूँ।
जल्दी से कुक हो जाएगी रेसिपी। ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी। देख सकते हो एकदम जल्दी से अंडे पक जाएंगे। इसको प्लेट मुझ के एक 5 मिनट्स के लिए पका लेते हैं मीडियम फ्लेम में। हाई फ्लेम में नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं। अभी थोड़ी देर हो गया है, अभी चेक कर लेते हैं अंडे का सालन कहाँ तक आया है। अब देख सकते हो कितने अच्छे से ऑयल सारा ऊपर आ गया है और अंडे भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी मैं इसको स्टोव ऑफ करके सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। इतनी अच्छी स्मेल आती है इसमें से, बहुत अच्छा टेस्ट अंडे का सालन। चलिए इसको मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। देख सकते हो अंडे कितने अच्छे से कुक हो गए हैं। अंडे के सालन की रेसिपी रेडी हो गई है। अब देख सकते हो कितना सिंपल से, कितना इजी से बनाई हूँ मैं आज इस रेसिपी को। आज की हमारी सिंपल और इजी ये रेसिपी के, तो रोटी और पराठे के साथ भी इसको खा सकते हो। बहुत अच्छी टेस्ट है ये, बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और ये तो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाली है। कोई सालन समझ नहीं आता है, जल्दी से अंडे के सालन को बना लेते हैं। बहुत अच्छा रहता है रेसिपी ये, और पराठे में भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये। आज की हमारी सिंपल और इजी सी अंडे के सालन की रेसिपी, या अंडे का सालन बोलो या फिर अंडे का खट्टा बोलो, हमारी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सिंपल और इजी रेसिपीज़ के लिए फॉलो कीजिए यू के हैज़ व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।